सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। व्हाट्सअप गाइस, तो फ्रेंड्स यहां पर ना मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं रेडमी नोट 6 प्रो, रेडमी 6 प्रो और उसके साथ रेडमी 6 और रेडमी 6 8 डिवाइस की अपडेट्स को लेकर, जो कि स्टेबल अपडेट रहने वाली हैं हमारे लिए अगस्त या सितंबर की। तो यहाँ पर जो यूज़र्स हैं उनके दिमाग में काफ़ी सवाल हैं कि जो अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगी, कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या कुछ नया भी होगा या वही पुराना होगा। तो यहाँ पर मैं डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर। अगर तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आपके लिए आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर तो वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे तो वीडियो को एंडिंग तक देखिएगा। तो यार यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट्स को लेकर। तो यार यहाँ पर बात करते हैं रेडमी नोट 6 प्रो और रेडमी 6 प्रो और रेडमी 6 से। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले रेडमी 6 की अपडेट को लेकर। यार यहाँ पर जो हमारी अपकमिंग मतलब कि अपडेट जो आने वाली है वो है 10.3.4.0 की, मगर यार यहाँ पर जो हमें करंटली अपडेट देखने को मिल चुकी है कुछ दिन पहले, तो यहाँ पर अगर बात आती है कि भाई अगस्त में देखने को मिलेगी तो भाई ये जो अपडेट है ये आपको अगस्त में नहीं देखने को मिलेगी, आपको सितंबर के फर्स्ट वीक तक रोलिंग आउट होती हुई दिखेगी या फिर अगस्त के लास्ट में या उसके बाद फिर सितंबर के मिड में। फीचर्स की बात करूँ तो यार यहाँ पर फीचर्स में आ जाता है कोई भी आपको न्यू फीचर देखने को अभी नहीं मिलेगा, बग फिक्सेस और उसके साथ अदर इम्प्रूवमेंट। आपके लिए एक और वीडियो आएगी Redmi 6 और Redmi 6 A के लिए, दोनों यूज़र देख लें भाई, सुन लें, इनके लिए एक और वीडियो आएगी, उनमें आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो भाई यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं अपनी और डिवाइस को लेकर जो कि है Redmi 6 A। आप सभी को पता होगा जो अपडेट्स आती हैं इन दोनों की, जैसे कि Redmi 5 और 5A की अपडेट्स जो आती हैं वो साथ में आती हैं, तो इस हिसाब से इनका भी कुछ ऐसा ही फंडा, इनकी अपडेट जो है वो भी मतलब एक दो दिन का डिले होती है मगर अपडेट जो होती है वो सेम ही आती है। तो यहाँ पर 10.3.4.0 की हमें देखने को मिल जाएगी ये Redmi 6A में भी अपडेट। और फीचर्स की बात करूँ तो फीचर तो इसमें भी कोई नहीं देखने को मिल रहा, तो भाई यहाँ पर अपडेट इस अपडेट का इंतज़ार करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ मगर ये है कि अगर आपके फ़ोन में बग काफ़ी हैं, हैंगिंग करता है, हिटिंग करता है या कुछ एप्लीकेशन को रिबूट कर देता है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर आपको ये अपडेट की नीड काफ़ी पड़ेगी क्योंकि बग फिक्सेस हैं इसमें। और उसके बाद बात करना चाहूँगा मैं अगली अपडेट को लेकर जो कि है Redmi 6 Pro के लिए, और इसके लिए जो लास्ट अपडेट रही थी वो थी 10.3.5.0 की और जो अपकमिंग अपडेट अब हमारे लिए आने वाली है वो है 10.3.6.0 की। तो यार यहाँ पर कुछ तो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पर बग फिक्सेस देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ यहाँ पर छोटे मोटे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। अब भाई लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर बग लिखा हुआ था मतलब हमें बग देखने को मिलेंगे, नहीं, बग फिक्सेस देखने को मिलेंगे। और उसके साथ यहाँ पर बात करना चाहूँगा हीटिंग प्रॉब्लम फिक्स कर दी जाएगी अगर तो है किसी की डिवाइस में, हालांकि सभी की डिवाइसेस में नहीं है, कुछ कुछ फ़ोन्स में आ जाती है। तो उसके साथ हैंगिंग प्रॉब्लम और एप्लीकेशन जो रिबूट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली उन्हें फिक्स कर दिया गया है। और उसके साथ यहाँ पर बात आ जाती है Redmi 6 Pro की, तो लास्ट अपडेट जो थी वो थी 10.3.3.0 की, अपकमिंग जो अपडेट है वो है 10.3.4.0 की। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी लेवल पेच देखने को मिल जाएगा और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगी और बग फिक्सेस देखने को मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि भाई यहाँ पर ये जो अपडेट है ये देखने को कब तक देखने को मिलेंगी। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो अपडेट हमारे लिए आई हैं मतलब कि ये जो अब आएंगी ये हमारे लिए जो अपडेट हैं ये हमें देखने को तो मिलेंगी, मगर यहाँ पर कुछ अपडेट्स ऐसी हैं जो हमें 20 के बाद डेट को देखने को मिलेंगी अगस्त में, और कुछ जो है वो हमें सितंबर के मिड में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर Redmi 6 और 6A के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपको जो अपडेट है वो लेट देखने को मिलेगी, शायद जल्दी देखने को मिल सकती है, शायद लेट, इसके लिए कन्फर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर इससे अपडेट इस मंथ में देखने को मिल चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर बात करता हूँ Redmi 6 Pro की, तो यार इसकी जो अपडेट है ना मतलब कि वो जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल सकती है बहुत जल्द, मतलब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगस्त में, तो आपको शायद एंड में देखने को मिल जाए या 20 तारीख के बाद आपको रोलिंग आउट होती हुई दिख जाएगी। अगर तो नहीं देखने को मिलती फिर आपको सितंबर के जो है वो फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करूँ यहाँ पर Redmi 6 Pro की, तो यार यहाँ पर जो हमें अपडेट है वो आपको सितंबर में देखने को शायद मिल सकती है या लास्ट वीक में अगस्त के, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सितंबर में देखने को मिलेगी, अगस्त में नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जितनी अपडेट्स अब हमारे लिए आ रही हैं इस हिसाब से हमारी जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी डिले भी हो सकती हैं जिस हिसाब से लग रहा है मुझे।
तो फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही, जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई वो मैंने आज आपके साथ शेयर कर ली है। अगर तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपके लिए आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।